हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भाई। आज हमारी कावड़ यात्रा का है 24वां दिन और हम रुके थे विजयनगर में भाई, और विजयनगर से अब नहा धो के कावड़ी आरती करके चल पड़े हैं। सुबह हो चुकी है। जय भोलेनाथ। आप चाय वगैरह लेंगे? भाई साहब जी आए हुए हैं एक, राजेश भाई साहब, और फिर आगे के लिए निकलेंगे। लो भाई, आई लव विजयनगर। विजय नहीं है भाई, ये विजयनगर है। हाँ जी। लो भाई, अभी पियेंगे चाय। राजेश भाई साहब जी सुबह ही आ गए हैं चाय के लिए। शाम को जय भोले हर हर महादेव। शाम को कह के गए थे भाई सुबह पहुंच जाऊंगा चाय के लिए, चाय पियेंगे एक साथ। तो अभी बैठे हैं चाय के लिए, वहाँ पे हम रुके थे और बोली करके आई लव विजयनगर, हर हर महादेव जी। भाई विजयनगर में बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी फील आई है जी। जय भोलेनाथ। ऐसे ही भोलेनाथ कृपा बनाए रखे और भाइयों के भी काम में दिन दोगुनी या रात चौगुनी बरकत देता रहे। भाई कुल्हड़ वाली चाय और राजेश भाई के साथ चाय की चुस्कियाँ और विजयनगर की सुबह। सूर्यदेव जी भी आ चुके हैं। ओम नमः सूर्याय नमः। अभी चाय पीने के बाद एक अलग ही फील जोश आने वाला है और निकलेंगे आगे के लिए। तो भाई अंकल जी के पास चाय पी के निकल रहे हैं। हर हर महादेव अंकल जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लो भाई अब निकलते हैं विजयनगर से। विजयनगर से और कचौरी के लिए बोल रहे थे कि यहाँ की फेमस है, लेकिन अभी हमने सुबह भाई साहब कल शाम को घ्योर लाए थे वो खा लिया और सेब खा लिया। अब निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। जय भोलेनाथ। लो भाई हनुमान जी की मूर्ति मंदिर तैयार हो रहा है, वही काम चल रहा है। जय बजरंगबली पुल के पास भाई विजयनगर से 2-4 किलोमीटर आगे आने के बाद। जय हनुमान, जय श्री राम। ले भाई अब रुके थे पानी पीने के लिए और भाई ने दे दिया अमरूद। अब अमरूद खाएंगे। मौसम हो गया अब अच्छा, रुकते ही मौसम अच्छा हो जाता है भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ भाई। कल वाले गुलाब जामुन बचे हुए थे, अब बैठा हूँ यहाँ पे, खाया पेट्रोल पंप पे बैठा हूँ भाई। टिंकू भाई जी भी पहुँच गए हैं बाइक को लेके, नहा धो के रेडी रोडी हो गए, टसन टसन करके। ओह टाइम हो गया 10 बजे भाई, 10 बजे तक चला हूँ मैं। सुबह चला था 7 बजे के आसपास, 8-9-10-3 घंटे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाई छाँव आने पर इतना मज़ा आता है, इतना तो इसी में बैठ के भी नहीं आता होगा भाई। ये साइड में खेत, भैंस गायें बकरियां चल रही है भाई। पेड़ों की फूलों की अलग से खुशबू आ रही है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नहीं नहीं नहीं, चाय ले लिया। ओके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भाई दोपहर हो चुकी है और अभी रुका हूँ अपल्यास गांव है ना, अपल्यास गांव में ये भाई साहब और भंडारा लगा रखा है भाई रामदेव जी महाराज का। जो भी यात्री आते हैं उनके लिए निशुल्क फ्री सेवा, गद्दे वगैरह सोने के लिए सभी सुविधाएं कर रखी है भाई। खाना वगैरह, चाय वगैरह सारी सुविधाएँ भाई। मैं भी गुजर रहा था तो बुलाया कि भाई हाँ वो बैठो रेस्ट करो। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जी। जय रामदेव जी की। ले भाई भंडारे में हमारे लिए खाना बनाया स्पेशल, जय रामदेव जी महाराज की। और भगत बैठे हैं भाई, काम चल रहा है भंडारे का और अभी हमारे लिए बन रही है रोटियाँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय रामदेव जी महाराज। ये देखो भाई नेशनल हाईवे 79 अपल्यास चौराहा जिला भीलवाड़ा, बाबा रामदेव जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ मेन रोड पे लगा रखा है भंडारा। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। ये भाई साहब ने भाई खाना खुना खिला के और फिर छोड़ा है, बोले कि खाना जाके जाना पड़ेगा। हमने नहीं खिलाया, बाबा ने खिलाया। हाँ हाँ जो भी है भाई, बाबा देखो भाई तो भंडारा ठीक है जी। ले भाई अभी पी है लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी ये भाई लेके आए थे, अब लेके आ रहे हैं पानी। ठंडी लस्सी थी, पीने के बाद इतनी शांति मिली है। पूछिए मत, जैसे बोलते नहीं है पूछिए मत, वैसा ही काम है भाई। पुल की छांव में बैठे हैं भाई और भाई ने देख लिया पोस्टर पड़ा बाइक के पीछे कि कहाँ जा रहे हो, तो भाई बता दिया कि
भाई इन्होंने पैदल यात्रा आते हुए देख लिया था, फिर बाइक आगे रुकी, इतने टिंकू से बात कर रहे थे, फिर मैं पहुंच गया। तो इतने लस्सी के लिए कि लस्सी ले जाऊँ, तो मना कौन करता है भाई, इतनी गर्मी में ठंडी चीज़ें पीने के लिए कौन मना करेगा। जय भोलेनाथ भाई, इतनी तेज गर्मी है भाई, चक्कड़ तो आए नहीं है और कोई कसर रहती नहीं है, बस खतरनाक काम है भाई, खतरनाक, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। जय भोलेनाथ, इतनी तेज घूमस है भाई, पानी पीता रहो पेट फटने को हो जाएगा, बस चक्कर आने वाली कगार पे हैं भाई, मतलब चक्कर आ रहे हैं चक्कर। वो भाई पुल के किनारे यहाँ पे दिया है रेस्ट, बिल्कुल चक्कर ही आ गए थे, इतनी गर्मी है, बिल्कुल इतनी गर्मी, पूछो मत, अब टिंकू लेके आएगा बाइक भाई और मैं चलता हूँ अपने, इतने 15 किलोमीटर और निकाल देंगे शाम तक भाई। टाइम हो चुका है 4 बज गए भाई, 5, 6, 7, 8 बजे तक चलेंगे। जय भोलेनाथ, फिर से धूप चालू भाई, धूप क्रॉस करते, ये पुल क्रॉस करते लो भाई, बारिश हो गई है चालू और गर्मा गर्म चाय, बारिश आ रही है, अच्छा रुक जाएंगे, लेकिन बारिश आनी चाहिए, मेन मुद्दा ये है। लो भाई हमने बनवाई है साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि हमारे साहब जी का है आज व्रत, आज जन्माष्टमी का व्रत है भाई, और बाहर आ रही है बारिश। ये भाई साबूदाने की खिचड़ी, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि पूरी बोतल खाली कर दी अकेले ने, कोल्ड ड्रिंक, प्यास पता ही नहीं चल रहा भाई, कितना ही पानी पीता रहो बंदा, कितना ही पानी, बुरा हाल है भाई गर्मी से जबरदस्त। तो भाई भीलवाड़ा से पहले टोल पे पहुंच गए हैं भाई, और टोल देखो कितना बड़ा है भाई, कितनी दूर तक जा से भाई, स्टेडियम है कोई, फुल बड़ा ग्राउंड है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, लाइटिंग बहुत बड़ी भाई, देखो हर जगह लगी है, शायद ही मैंने इतना स्पेस देखा हो किसी टोल पे, शायद ही, मतलब बाइक पे आया या बाइक पे ध्यान ना गया हो, लेकिन बहुत बड़ा स्पेस है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव भाई, आज रुके हैं लंब्या कला, भीलवाड़ा रहता है 30 किलोमीटर, टोल पे रुके हैं भाई, भाई राकेश पुनिया जो हमारे राजगढ़ से हैं, इनके पास इन्होंने हमारी व्यवस्था कर दी है भाई टोल पे, यहाँ सोने के लिए आपको यहाँ से दिखाता हूँ टोल, अपनी बाइक है भाई नीचे, और टिंकू खड़ा बाइक के पास, और यहाँ पे अपनी सोने की व्यवस्था हो गया भाई। जय श्री शंभू, आप खाना खा के और फिर करेंगे रेस्ट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई, लो भैया ने गजब बना दी है सब्जी, और अपने या खीर और रोटी अपनी भाई ने कर दिया खाना, हर हर महादेव जी, अब खाऊंगे खाना और फिर सोने की तैयारी, टाइम हो गया 10:30 बजे, सवेरे निकलना है फिर, हर हर महादेव।